हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लास विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कल ये वीडियो आप लोग को लाइव टेस्ट में दी गई थी, लेकिन वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। दोबारा आप लोग के लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है। अधिकतम बल का प्रयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जानी जाती है? तो यहां पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर रहा है? हृदवाहिनी सहन क्षमता, मांसपेशी सहन क्षमता, मांसपेशी की शक्ति या फिर शारीरिक रचना। आंसर क्लिक करिएगा ए बी सी डी में से किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में। जो हमने कल आपको मॉक टेस्ट दिया था, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे। देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग का जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ था यूपी टीजीटी पीजीटी का, उसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है बहुत जल्द। आपको वो वैकेंसी दोबारा देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो लोग भी अभी तक तैयारी करने में थोड़ा सा कम टाइम दे रहे थे, अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसी बार आपको एक सीट अपनी कंफर्म करनी, इतनी मेहनत कर देनी है। तो 1 का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? मांसपेशी की शक्ति हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है, विकिरण, वाष्पीकरण, संवहन कारक या फिर चालन। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 2nd। राइट आंसर आपका आना चाहिए किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकता है। इसी पर आपको पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा। 500 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा। वर्तमान समय में उत्तराखंड एल्टी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही है। जिसको भी वहां पे ज्वाइन होना है, वहां पे ज्वाइन हो सकता है और साथ में अपना मॉक टेस्ट या कोई जो भी कराया जाता है उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2nd का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? चालन, जिसको बोलते कंडक्शन, के साथ में रिलेट करेगा। तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है? चालन की प्रक्रिया के तहत। यानी राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? ऊपर उठाकर खेलने की मुद्रा में पैर चलाना, मसल व्यायाम, डॉर्सिफ्लेक्शन या फिर न्यून चाप की मुद्रा में पैर फैलाना। राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा हो, उस चैप्टर को आप 1 से 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, जिससे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पे डार्सी फ्लैक्सन के साथ में रिलेट करेगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, कोणीय काइनेटिक्स या फिर लीनियर काइनेटिक्स। 4th नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 4th का सही उत्तर बताना है आपको। मॉक टेस्ट नंबर है 318। इसके पहले के अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो इस यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। पार्ट नंबर 11 से लगाकर पार्ट नंबर 318 तक सभी वीडियोस वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप एक बार अवश्य देखिएगा, उनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा काइनेमैटिक्स के साथ में रिलेट करेगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे के झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? लंब रूपी धुरी और समतल प्लेन, सजीटल धुरी और लंब रूपी प्लेन। सी दिया हुआ लंब रूपी धुरी या फिर लंब रूपी प्लेन दिया। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए बी सी डी में से किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोग के लिए चल रही, बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट आंसर आना चाहिए आपका, तुरंत आप लोग क्लिक करिएगा।
15 से कम किसी का स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो 9621819209 पर पंकज सर को अपनी क्वेरी बता सकते हैं, और साथ में अगर पेड ग्रुप से जुड़ना है इसी नंबर पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में ये कई बार क्वेश्चन हमने आपको कराया है, गलत किसी से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बताइए अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाल और सॉकेट का जोड़ कहलाता है, कब्जा वाला जोड़ कहलाता है, काठी वाला जोड़ कहलाता है, फिर कॉन्डी लाइट जोड़ कहलाता है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है आपको। तो 6 का जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। और आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ही अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, और यूपी टीजीटी उत्तराखंड एलटी ग्रेड डी टेबल एसपी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, आपका पढ़ाने का तरीका जो होता है वो भी थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप लोग का रिवीजन करने में जो आप लोग तैयारी किए हुए इतने दिनों से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 7। घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, सरकने वाला जोड़, धुरी वाला जोड़, कब्जे वाला जोड़ या फिर कॉन्डिलाइट जोड़, बताइए अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, बताइए तुरंत बताना है आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। उत्तर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। स्कोरिंग भी करके आपको बताने की 20 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है, 8 का बताना है आपको राइट आंसर, तीसरे दर्जे का, द्वितीय दर्जे का, प्रथम दर्जे का या फिर कोई नहीं, क्वेश्चन देखिएगा आंसर क्लिक करिएगा, बहुत जबरदस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? जी हां, ए ऑप्शन जिसने भी क्लिक कर दिया उसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी टीजीटी कई बार आपको बताएं 125 क्वेश्चंस आने हैं और आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स को कैरी करेगा, माइनस मार्किंग भी नहीं है इस बार, ना ही इंटरव्यू है, तो अच्छे से तैयारी करना। इस बार जितने भी लोग अभी तक क्वालिफाई कर ले जाते थे और इंटरव्यू में रह जाते थे उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। जितनी मेहनत आपने पिछले एग्जाम्स में की है उससे कई गुना मेहनत इस बार कर दीजिएगा, आप एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूटन का द्वितीय नियम है, कौन सा है नियम बताइए न्यूटन का दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, दूरी और दिशा का नियम, बताइए दूसरे नियम का नाम बताना है। त्वरण का नियम होगा, जड़त्व का नियम होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होगा, जड़त्व यानी एक्सीलरेशन किस ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा, बताना है आपको सही आंसर। उत्तर जो हो जाएगा द्वितीय नियम आपका त्वरण का नियम रिलेट कर जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ में, जबकि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है आपका, क्या दूसरा हो सॉरी प्रथम होता है या फिर तृतीय होता है, तो यहां पे तृतीय हो गया। अब बताना है आपको कमेंट करके जड़त्व का नियम किसके अंतर्गत आता है, दूसरे के अंतर्गत आता है न्यूटन के, या फिर तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, या फिर पहले नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपको जड़त्व का नियम बताना है न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और आपको तीनों नियम के बारे में जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं आप एग्जाम्पल्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती हैं आपको, जैसे ही वहां से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या फिर कहीं पे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर अगर वो क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसका आंसर तुरंत क्लिक कर देंगे, आपका राइट आंसर आएगा, वहां पर गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता, या फिर उपरोक्त सभी, बता दीजिएगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 सर के द्वारा बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी तरीके सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए कलेक्ट किए जाते हैं सर के द्वारा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? जी हाँ, प्रथम श्रेणी का लीवर के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन है? किन्सियोलॉजी मानव गति का है, गामक गति का है, शारीरिक स्वास्थ्य का, या फिर नरविज्ञान का है? 11th राइट आंसर क्या होगा यहां पे, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन बताइएगा। 11th किन्सियोलॉजी अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन है? किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? मानव गति का होगा, गामक गति का होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का होगा, नरविज्ञान का होगा। 15th से कम किसी के सही नहीं होने चाहिए। 15th अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चली। अगर 15 से कम आपके सही होते हैं तो आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको लग रहा होगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई तैयारी नहीं करता, लेकिन तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत है। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो, एग्जाम को क्रैक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव गति के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में लीवर का बहुमत, प्रथम श्रेणी लीवर, द्वितीय श्रेणी लीवर, तृतीय श्रेणी लीवर या फिर चतुर्थ श्रेणी लीवर, बताइए 12th का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बताइए 12th का राइट आंसर क्या होगा, मानव शरीर में लीवर का बहुमत क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या फिर ए ऑप्शन होगा? बहुत अच्छे, सी ऑप्शन, जिसने भी राइट आंसर क्लिक कर दिया उसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और YouTube पर इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, पार्ट नंबर 11 से लगाकर पार्ट नंबर 318 आज तक के जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए गए सारे वीडियोस वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन वीडियोस को वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देख लेते हैं, किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? ए बी सी डी, क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद आंसर पढ़िएगा उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा, 5 सेकंड को आपको टाइम देते हैं। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा 500 रुपीज का, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा, अकाउंट पे भी करा सकते हैं या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में यूपी टीजीटी और उत्तराखंड एलटी ग्रेड DSSSB का बैच चल रहा है, जिसको भी यहाँ पे ऐड होना है इन क्लासेस को अटेंड करके ऐड हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक किया होगा। राइट आंसर आपने जो क्लिक किया, जिसने भी बी ऑप्शन क्लिक किया है उसका हो जाएगा उत्तर सही, यानी बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, पूर्ण सही बेलोच टक्कर के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? यह क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स में देखा होगा, पैर, हाथ, गर्दन या फिर सिर, बताइए 14th का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? ए बी सी डी या फिर इनमें से सभी हो जाएगा, एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा, उपरोक्त सभी। 14th जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी आपके जानने में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ में सभी को जोड़ दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि है, घुटने की संधि होगी, कंधे की संधि होगी, कलाई संधि होगी या फिर कोहनी संधि हो जाएगी, बताइए मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान पीटीआई में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर किसके साथ में रिलेट करेगा? ए बी सी डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पे ए ऑप्शन के साथ में, ए उत्तर सही हो जाएगा। और आप लोग
कम्युनिटी पर भी क्वेश्चंस देखते रहिएगा, क्योंकि कम्युनिटी पर भी सर के द्वारा क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, वहां पे दूसरे सर को पोस्टेड कर दिया गया है, वहां पे भी आप लोग को बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है तो उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, जब बिल्कुल आपको नहीं मिलता है कहीं पे आंसर तब आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, और ऑप्शन सहित आंसर यहां से दे दिया जाएगा। बस टाइम लग सकता है क्योंकि बिजी होने के कारण तुरंत आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, टाइम लग सकता है आपको, लेकिन रिप्लाई अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गति के नियम के प्रतिपादक अरस्तु हैं, न्यूटन महोदय हैं, जेबी नायस हैं या फिर गैलीलियो हैं, बताइएगा गति के नियम का प्रतिपादक टॉप 20 में। शायद इससे आसान कोई दूसरा क्वेश्चन आपको न मिले, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आना चाहिए। 99.9% बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि 0.1% गलत होगा। क्यों गलत होगा? ओवर कॉन्फिडेंस में। तो देखते हैं कितने लोगों ने राइट आंसर क्लिक किया होगा। तो राइट आंसर मैक्सिमम लोगों ने क्लिक किया होगा बी ऑप्शन के साथ में, रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। गति के नियम के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? न्यूटन महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आप लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम कौन सा होता है? जड़त्व का नियम। अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कौन सा होता है? संवेग का नियम, या फिर कौन सा होता है? त्वरण का नियम जो कहलाता है। तीसरा नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, ज्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोर को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम होता है, कहां से उद्गम होता है? उधर से होता है, मेरुदंड से होता है, त्रिकाश से होता है, फिर श्रोण से होता है, बताइएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में यह क्वेश्चन आता है। ज्यादातर मांसपेशियां, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम होता है, बताना है आपको राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। और आपका सिलेक्शन ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, जल्दी से आप लोग क्लिक करिएगा अपनी कॉपी में, राइट आंसर क्या होगा? अभी आंसर आप लोग को बताया जा रहा है। सही होता तो एक नंबर आपका, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चार नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन राइट होने पर। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर क्या होगा? श्रोणी के साथ में रिलेट करेगा। जिसने भी डी ऑप्शन क्लिक कर दिया उसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर है 18। कल इन क्वेश्चंस को हमने लाइव टेस्ट में आप लोग को कराया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की होने की वजह से इन क्वेश्चंस को वहां से डिलीट करके दोबारा आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और बहुत से उत्तराखंड के बच्चों ने बताया था कि सर हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है जिस टाइम पे आप लाइव टेस्ट कराते, तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता, क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है, घुमाव कहलाता है, टर्बुलेंस कहलाता है, फिर घसीटना कहलाता। 18 का बता दीजिएगा राइट आंसर क्या कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रक्षेप, घुमाव, टर्बुलेंस या फिर घसीटना, क्या कहलाता है? स्पिन यानी घुमाव कहलाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको वन टाइम 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम या फिर अकाउंट पे भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको नोट्स अवेलेबल किया जाएंगे जो भी पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं, और साथ में आपको पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। 500 रुपीज का सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है। बैच जो चल रहा है उत्तराखंड एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी और DSSSB का चल रहा है, जो भी ऐड होना चाहता है वो ऐड हो सकता है। बाकी आप सभी के लिए वीडियोस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी उपलब्ध प्रेरणा का चरण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये प्रश्न, बताइएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा।
स्वायत्त क्षमता, सामाजिक तुलना चरण, सी ऑप्शन है एकीकृत चरण और डी ऑप्शन है विशिष्ट चरण। बताइए किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्ध प्रेरणा इससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है उपलब्ध प्रेरणा? व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति की प्रवृत्ति के साथ में किससे रिलेट करेगा उपलब्ध प्रेरणा जो संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9621819209 पर जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है यहां पे जुड़ सकता है कांटेक्ट करके। एक बार इन क्वेश्चंस को हम रिपीट करा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से, जितने भी क्वेश्चंस आज कराए गए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपने अगर क्वेश्चंस गलत किए तो उसका आंसर आप लोग को पता हो जाएगा और अगली बार आपका राइट आंसर क्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम बल का प्रयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जानी जाती है? तो यह जानी जाती है मांसपेशी की शक्ति के रूप में, यानी सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है। बताइए राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, चालन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्ट होगा रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3, इससे आपके क्वेश्चन के आंसर कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखना है आपको। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? कौन सा व्यायाम किया जाता है? डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है कौन सी, क्या कहलाती है? काइनेमैटिक्स कहलाती है, यानी बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे के झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? समतल धुरी और सजीवतल प्लेन के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, क्या है? बाल और सॉकेट का जोड़। बहुत अच्छे, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कब्जे वाला जोड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिवीजन में आप लोग सही कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, खेलकूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे दर्जे का, यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम आपका त्वरण का नियम कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। 9th का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? 10th का राइट आंसर क्या होगा? प्रथम श्रेणी का लीवर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छे, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी अध्ययन है, किस चीज का अध्ययन है? किन्सियोलॉजी मानव गति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं, मानव शरीर में लीवर का बहुमत है, ए बी सी डी ऑप्शन आपका सो नहीं हो रहा, तो तृतीय श्रेणी के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 12 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण सही बेलोच टक्कर होगा, क्या इसका राइट आंसर? बहुत अच्छे, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? 14th राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, हाथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं 15th पर, मानव कंकाल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? संधि बतानी है यहाँ पे 15th का, घुटना संधि, कंधा संधि, कलाई संधि या फिर कोहनी संधि। 15th राइट आंसर हो जाएगा घुटना संधि के साथ में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन महोदय हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ज्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उद्गम होता है कहां से? उद्गम होता है, बताइए 17 राइट आंसर क्या होगा? श्रोणी से हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में शरीर को अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है, क्या कहलाता है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 18 ए बी सी डी ऑप्शन है, घसीटना भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? घुमाव के साथ में रिलेट करेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपलब्ध प्रेरणा का चरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर होगा, चरण नहीं पूछा गया तो डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 का, उपलब्ध प्रेरणा इससे संबंधित किससे रिलेट करती है? व्यक्ति की आवश्यकता के साथ में रिलेट करती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपको एक बार दिए गए मॉक टेस्ट के रूप में, उसके बाद आपका रिवीजन भी करा दिया गया। इससे क्या होगा आपके क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे आंसर क्लिक कर देंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है
9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर नहीं लगता तो इसी नंबर पर आप लोग उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो नया वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। फिजिकल एजुकेशन में इस बार आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड पीटीआई जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक सीट कंफर्म करनी, इतनी मेहनत कर देनी है।